नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ सपना मध्देश। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर, जून में तैयार हो जाएगी एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग। 100 करोड़ की लागत से तैयार की जा रही है नई बिल्डिंग, गायत्री मंत्रों से सुशोभित होगी एयरपोर्ट की बिल्डिंग। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, आधुनिक सुविधाओं के साथ 30 जून तक जौली ग्रांट एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का कार्य पूरा होने जा रहा है। लगभग 100 करोड़ की लागत से जौली ग्रांट एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। कार्यदायी संस्था अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन के अधिकारियों ने बताया कि 30 जून नई बिल्डिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई बिल्डिंग में 3 गेट डिपार्चर के बनाए गए हैं और 1 गेट अराइवल के लिए तैयार किया जा रहा है। जीएम करमचंद ने बताया कि दोनों बिल्डिंग की लागत 353 करोड़ थी, जिसमें एक फेज की बिल्डिंग के तैयार होने के बाद दूसरी फेज की बिल्डिंग बनाई गई है जो 30 जून तक बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने बताया कि फेज एक की बिल्डिंग की तरह ही फेज द्वितीय में भी उत्तराखंड की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और फेज दो की बिल्डिंग में गायत्री मंत्र को दीवारों पर लिखा जाएगा। ये आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर। जो लोग हवाई यात्रा करना पसंद करते हैं, जो लोग हवाई यात्रा करते हैं उनके लिए काफ़ी खुशी का विषय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं नई बिल्डिंग का जो है यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट को ये जो है जो कार्य मिला है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट को ये जो निर्माण कार्य मिला है इस बिल्डिंग का, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और साथ में जो पिछले साल बिल्डिंग जो बनकर तैयार हुई है वो भी आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग में। आपको बता दें हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है, वैसा ही सेम नज़ारा जो नई बिल्डिंग बनके तैयार होगी उसमें भी यात्रियों को देखने को मिलेगा। जो लोग बाहर से यहाँ पर आएंगे हवाई यात्रा करने आएंगे उनको वही नज़ारा यहाँ पर हिंदुस्तान का देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट अधिकारियों से बात करने के बाद पता चला 350 करोड़ की लागत जो है इस बिल्डिंग में आ रही है। 350 के अंदर ये बिल्डिंग जो है तैयार होने वाली है। जल्दी ही ये जो हवाई यात्रा करते हैं उनको लाभ मिलेगा इस बिल्डिंग का और काफ़ी हर्ष का विषय है हमारे डोईवाला क्षेत्रवासियों के लिए भी, एयरपोर्ट क्षेत्रवासियों के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट सिटी जो है, डेवलपमेंट डोईवाला इसको हम कह सकते हैं, एयरपोर्ट कह सकते हैं। ऐसी खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस टाइम हमारे प्रोजेक्ट इंचार्ज में कहीं आज गए हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ये नई बिल्डिंग जो है डिपार्चर के लिए बन रही है। पहले 3 जो गेट हैं वो डिपार्चर के हैं और उनमें से अभी एक अराइवल के लिए रखा हुआ है और अराइवल बिल्डिंग जो है अभी वो नई बन रही है, जो पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नई बना रहे हैं वो अराइवल के लिए काम आएगी। सर कब तक बन रहे थे? और इसके 100 करोड़ के करीब इसकी कॉस्ट थी और ये हमारी प्लानिंग है कि 30 जून तक इसको कम्प्लीट कर देंगे, पब्लिक के लिए खोल देंगे शायद। सर जैसे नहीं जो बिल्डिंग बनी थी उसमें मिलेगा थोड़ी सी चेंज है शायद, गायत्री मंत्री या उसका कोई प्रपोजल है वो लगेगा उन बड़ा मुकम्मल कॉलमों के ऊपर। सर लागत कितनी बताइए? लागत इसकी लगभग जो अराइवल के लिए बिल्डिंग बन रही है इसकी 105 करोड़ के लगभग लागत है, जिसमें से 62 से 63 करोड़ का काम हो चुका है और बाकी सारा सप्लाई पाइपलाइन में है और 30 जून तक उम्मीद है कि इसको पूरा कर देंगे।